राखी जी ये था इधर इधर राखी जी अरे चाय कॉफी का ऑर्डर करने दो कॉफी तो ऑर्डर करने दो करिए करिए मैम हेलो भाई आप मास्क पहनो पीछे वाला चलो चलो भाई जो के मास्क इधर कोई तमाशा नहीं हो रहा है राखी जी इधर से ये साइड मैम राखी मैम ये साइड से आइए यहां से आइए यहां से आइए थैंक यू ये सब लोग इधर घूम जाओ ना वीडियो वाले छाव में घूम जाओ ना आ रहे हैं हां सब लोग इधर आ जाओ भाई साहब सब लोग इधर आ जाओ दूर आप इधर जाओ यार आप लोग मेरे पीछे इधर आते हो संभावना सेठ को अभी मैंने बोल दिया इतना रो रही थी जयपुर के किसी हॉस्पिटल में उसके डैडी को कितनी बुरी ये हो गया है उसके साथ कितना अत्याचार हो गया है आप लोग उनको पकड़ो ना राखी जी अच्छा गरीब लोग को कोरोना नहीं होता क्या होता है ना यार वो बोल रहा है मारो उसको मारो मारो उसको कोरोना सबको होता है भाई तुम संभावना सेठ का देख लो उसको फोन करो इतना रो रही है उसके डैडी को बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं दिया गया इंजेक्शन नहीं दिया गया और कैसे बुरी हालत हुई है वो इतना रो रही थी मैं आज फोन करता हूँ उनको यार आप लोग आ गए तो देखो वो पीछे हो कौन है कौन है ये रिक्शा वाला भी आ गया इधर लड्डू पेड़े थोड़ी बट रहे भाई मैं कॉफी लेने आई हूँ लड्डू पेड़े थोड़ी बट रहे राखी जी मैं थोड़ी किसी को वैक्सीन लगा रही हूँ यार तू कॉफी ला मेरा राखी जी सदाब किधर राखी जी ये साइड फोटो मारना ये साइड राखी जी हमने तो फोटो मार बोले आप आपने बोले थे ना कि सीएम होना चाहिए वो बोलते हैं मैं आम इंसान ही दी दूं राखी जी को बोले नहीं भाई नहीं वो तो उनका बड़प्पन है वो तो उनका बड़प्पन है कि जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो हमारे बॉलीवुड स्टार कर दिए जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए ये तो खुद ही अंदर घर में बैठ के अपने इतने आलीशान मकान में बैठे हुए हैं सारे नेता और जनता देखो सब नेता क्या कर रहे सो रहे क्या कर रहे पता नहीं मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ क्योंकि राजा नहीं क्योंकि मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ राजा सलामत है तो प्रजा सलामत रहेगी राजा सही बात गाइज आई रिक्वेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स के भाई आप लोग के पास इतने अरबों खरबों रुपए हैं आप लोग जो मंत्री बन के इतना कमाते हैं तो थोड़ा जनता में खर्च करो प्लीज़ यार मैं अपने आप को थोड़ी देने के लिए बोल रही हूँ कि मेरे अकाउंट में डालो हाँ ऊपर वाले की दया से मेरे पास भले कुछ ना हो लोगों का आशीर्वाद है सो भैया आप हमारे बॉलीवुड के स्टार्स जनता पर इतने पैसे खर्च करते हैं हाँ थैंक यू सो मच तो पैसा खर्च कर रहे हैं मैं हमारे बॉलीवुड स्टार जब भी कुछ होता है हमारे बॉलीवुड स्टार आगे आते हैं और हमारे बॉलीवुड को ही बुरा तुम लोग बोलते हो जब भी भूकंप आया हो बीमारी आई हो कुछ भी आया हो सारे बॉलीवुड के स्टार पहले ऐसे खड़े होते हैं और तुम हमारे बॉलीवुड को बुरा बोलते हो छी 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 लाना थे भाई कभी भी हमारे बॉलीवुड स्टार को कभी किसी को कुछ मत बोलना और नेता लोग अभी तुम बहुत सो लिए आराम की नींद खुद को बचा लिए खुद के परिवार को बचा लिए ये जनता आपकी इन्होंने वोट देकर आपको आगे बढ़ाया है आपको कुर्सी पर बिठाया है सो प्लीज़ नेता लोग जागो और जनता पे तुम्हारा जो पुश्तों का रखा हुआ जो गोदाम में पैसे हैं गोनी भर भर के थोड़ा बाहर निकालो जनता के लिए ऑक्सीजन यू नो ऑक्सीजन लाओ क्योंकि हर इंसान बहुत सारे गरीब लोग अपना जेवर बेच बेच के ऑक्सीजन ला रहे हैं जेवर बेच बेच कर लोगों की मदद कर रहे हैं मैं तो ये सरदार लोगों को सैल्यूट करती हूँ जय बोले सोनीहाल सत श्री अकाल ये लोग जो है सरदार लोग को मैं इतना इज्जत करती हूँ ना इनका दिल इतना बड़ा होता है ना ये बाहर आते हैं और सबके लिए खाना पीना सब लाते हैं चलो अदा चलो चलो निकला यहाँ से राखी जी कल इधर कोई पार्टी नहीं हो रही चलता निकल निकला राखी जी कल मीका जी ने भी 1000 लोगों को खाना बांटा है हाँ मीका जी को अच्छी बात है इधर कोई पार्टी नहीं हो रही है इधर खड़ा मत रहो कानून का उल्लंघन मत करो कानून का उल्लंघन मत करो निकलो यहाँ से चलो चलो तुम लोग भी निकलो चलो राखी जी अरे नाराज कर दिया तुम मैं भी इसकी
राखी राखी है क्या, चल जल्दी आ। राखी 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 कर दे राखी। ये दादा भाई थोड़ा पीछे हट जाओ। राखी मैम हमेशा अच्छी लगता है। राखी जी, राखी मैम, राखी जी बस बस। ओके 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 मैम 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 जी जी चल 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 को से मैं फोटो नहीं खींचा चल चल।